राजधानी लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी शख्स का नाम आबिद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आबिद ने आदित्य सिंह बनकर एक हिंदू लड़की से दोस्ती की थी। आबिद ने लड़की को अपने झांसे में ले लिया। इस दौरान दोनों के बीच कई बार संबंध भी बने। पीड़िता ने बताया कि आबिद ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया और जबरन शादी कर ली। लेकिन बाद में पीड़िता को पता चला कि आबिद की पहले ही शादी हो चुकी है और उसके 7 बच्चे भी हैं। पीड़िता की माने तो आबिद ने इसके बाद फिर एक हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाकर फरवरी में उसके साथ शादी कर ली। मेरे साथ मतलब आता रहा, बातचीत करता रहा, मित्रवत व्यवहार करता रहा, सब करता रहा। और इसने मुझे बताया कि मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं क्राइम ब्रांच में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। तो इस तरह से फिर इसने कुछ दिन बाद कहा कि मैडम वो क्या, अरे आपने भी शादी नहीं की, मेरी शादी हुई थी, मेरी बच्ची, मेरी बीवी मर गई, मेरा एक छोटा बेटा है, उसको एक माँ मिल जाएगी और आपको भी एक परिवार मिल जाएगा। तो हमने ठीक है, फिर हमने कहा मेरे घर वालों से इस समय बात करो। तो उस बीच हम दोनों की मित्रता हो गई और इसने कुछ मेरी ऐसी फ़ोटो ले ली। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। तो हमने कहा कि बताया इसने कि मेरा नाम आबिद हवारी है। तो हमने कहा तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ तो नहीं हो सकता। इसने कहा कि इसने फिर कहा कि तुम्हारी कुछ फ़ोटो हैं और जबरन मेरे घर में जबरन मेरे साथ निकाह किया और यहाँ रहा, यहाँ मारपीट करता रहा, सब करता रहा, प्रताड़ित करता रहा, पैसे हमसे लेता रहा। और फिर इसने मेरा धन परिवर्तन किया, मेरा नाम शिवालिता इसने मेरा नाम ऐसा रखाया और ये इसी तरह मुझे प्रताड़ित करते रहा। इतने साल से बराबर प्रताड़ित करता रहा। फिर 5 साल तक ये मुझे प्रताड़ित करता रहा। फिर मुझे बाद में पता चला कि एक मनीषा सिंह चौहान नाम की लड़की है, वो भी ठाकुर है, उसके उससे भी यही बन के मिला है, आदित्य सिंह बन के मिला है। और उसको भी यही क्राइम ब्रांच में बताया कि सब। मैंने उस लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की और जब मैं समझाने तो ये बराबर धमकी देता रहा, जान से मारने की धमकी देता रहा, मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी देता रहा। ACP सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लव जिहाद कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आज इंदिरा नगर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, उसमें युवक की गिरफ्तारी हुई, क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 29/5/2021 को आदमी द्वारा तहरीर दिया गया, थाना इंदिरा नगर क्षेत्र की रहने वाली है वो। उसने बताया कि आदित्य प्रताप सिंह उस आबिद हवारी नामक एक व्यक्ति जो हिंदू व्यक्ति बन करके उसको फंसाया। वो अपने आप को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताता था। वो यहाँ अंसल में रहता है और मूलतः वो आजमगढ़ का निवासी है। उसने उसके साथ दोस्ताना संबंध बनाए, उसके बाद डरा धमका के उसके साथ निकाह करने का प्रयास किया। ऐसा ना करने पर उसने वो उसकी जो व्यक्तिगत वीडियो है उसको वायरल करने के लिए बोला। तो इस आधार पर उसने उसका धर्म परिवर्तन कराया, धर्म परिवर्तन करके उसके साथ निकाह किया। बाद में वादनी द्वारा यह पता किया गया कि उसके साथ उसकी पहले से एक शादी हो रखी थी जिससे उसको 7 बच्चे हैं। और ये वादनी का लगातार शोषण करता रहा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। हाल ही में वादनी द्वारा ये भी पता किया गया कि अभी वर्तमान में फरवरी 2021 में उसने पुनः हिंदू व्यक्ति बन के एक हिंदू लड़की से हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है। तो तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत उपयुक्त धाराओं में कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक खुद को क्राइम ब्रांच में अफसर बताकर महिला के घर किराए पे कमरा लेने आया था। फिर उसने धीरे धीरे महिला को झूठी कहानियां बता अपने जाल में फंसाया और धर्म परिवर्तन करवा के शादी कर ली। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।